गुड इवनिंग शुभंकर। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक। अच्छा आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पार्टनरशिप का जो अकाउंटिंग है वो कैसे होगा, उसके पहले हमें थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होता है। वैसे तो देखो, जिन लोग के लॉ में पार्टनरशिप है वो लोग तो लॉ में करोगे तब उसका डिटेल्स तुम लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप का जो लॉ होता है। लेकिन फिर भी अकाउंट्स करवाने के लिए लॉ उतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जितना सा हमें रूल्स रेगुलेशंस पता होना चाहिए, थोड़ा एक इंट्रो होना चाहिए, तो हम वो बता देते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तन। ठीक है, आवाज नहीं जा रहा अभी। चलो तो देखो, पार्टनरशिप जो है, तो जब भी कुछ बिजनेस फॉर्मेशन का बात आता है, तो हम लोग कितने तरह से बिजनेस कर सकते हैं। एक तो हम लोग खुद अकेले इंडिविजुअली बिजनेस कर सकते हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या बिजनेस है, मतलब क्या बिजनेस है, इन द सेंस कि बिजनेस का जो टाइप है वो कैसा है, उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जब हम लोग इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली एक ही इंसान अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। अच्छा, अब सोल प्रोप्राइटरशिप तो एक जन कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग पार्टनर, मतलब क्या, एटलीस्ट दो जन होगा तभी ना पार्टनर होगा, ठीक है, एटलीस्ट दो जन होना चाहिए। और मैक्सिमम उसका लिमिट वगैरह उसी के लिए जो है लॉ है कि पार्टनरशिप एक्ट है, वहां पर बताया गया है कि कितने मैक्सिमम लोगों में से पार्टनरशिप हो सकते हैं। तो जो भी हो, अगर एक से दो लोग, एक से भले दो कहीं कि दो जन अगर काम करते हैं, दो या उससे ज्यादा, कितना ज्यादा होगा वो हम लोग देख लेंगे आगे। तो ये कितने हैं, ये इंडिविजुअली काम हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअली। इंडिविजुअली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। और अगर एक से, मतलब एटलीस्ट टू, ठीक है, एटलीस्ट टू, कम से कम दो, या फिर मैक्सिमम जितना होगा वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हो गया पार्टनरशिप। अब दो लोगों का काम करने का क्यों जरूरत हुआ, ये सोचो कि पहले एक ही जन काम करे था, अब सोच रहे हम लोग दो चार जन मिलके करेंगे, एक बार मान लो दो जन मिलके करे, इसका नीड क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो मार्केट डिमांड तो डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है, और मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल पर्सन का जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, मतलब देखो बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं होता है, किसी के पास पैसा है तो वो कर लेगा, नहीं, पैसे के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स का भी तो जरूरत होता है, बिना ह्यूमन रिसोर्स के तो बिजनेस कर नहीं सकते। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। तो बिना ह्यूमन रिसोर्स के तो बिजनेस कर नहीं सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक सबसे मतलब जो बोल सकते हैं ड्रॉबैक क्या हो रहा था, कि एक ही इंसान के ऊपर ज्यादा लोड आ जा रहा था, मतलब अगर पैसे का जरूरत हो तो उसी को दिमाग लगाना है, अगर काम बढ़ाना है तो फिर अकेले प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया कि इतना मार्केट डिमांड है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिमांड को फुलफिल करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप काफी नहीं है, और उसके साथ साथ देखो
हमें ह्यूमन रिसोर्सेस भी चाहिए होगा, तो एक जन का ह्यूमन रिसोर्स और मोर देन वन पर्सन का ह्यूमन रिसोर्स, तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया। लेकिन पार्टनरशिप का एक लिमिटेशन है, ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड लोगों को लेके पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो उससे जो ब्रॉडर कंसेप्ट आया दैट इज कंपनी। क्या हो रहा, सभी का आउट क्यों हो जा रहा, अटेंडी बना रहे थे, अटेंडी क्यों नहीं दिख रहा है। पता नहीं, ठीक है छोड़ो, अटेंडी बनाने में इससे रिमूव नहीं होता, रिमूव क्यों हो जा रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा देखो, तो वही हम बोल रहे थे कि अगर पार्टनरशिप से अगर हम लोग कंपनी, ठीक है, कंपनी पार्टनरशिप में जो कैपिटल का जो ह्यूमन रिसोर्स हमें मिलेगा कंपनी में उससे भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, कंपनी में उससे भी ज्यादा मिलेगा, तो ऐसे करके धीरे धीरे जो फॉर्मेशन है उसको डेवलप किया गया, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले एक इंसान बिजनेस कर रहा था, फिर दो जन मिलके दो दो और मैक्सिमम लिख देंगे, और कंपनी का मतलब हो जाता है कि वहां का अपना एक लिमिट होता है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्यों आया वही हम बता रहे हैं। तो ये देखो, जब कोई इंडिविजुअल काम करता है तो उसके लिए ये देखो, नॉट बी इन अ पोजिशन टू कोप विथ फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, आज के डेट पे जितना भी डिमांड है उसको फुलफिल करना अकेले इंसान के लिए काफी नहीं, इसी के वजह से दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल मिलके जब एक साथ काम करने लगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। इससे फाइनेंशियल रिसोर्स भी बढ़ेगा, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है, हम लोग इस चैप्टर में पार्टनरशिप के बारे में सीखेंगे, ना ही तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ना ही तो कंपनी, ठीक है। अब पार्टनरशिप में हमें सीखना क्या है, बेसिकली पार्टनरशिप का हमें पूरा जो है फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वहां क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल। लेकिन ट्रेडिंग नॉर्मली ना पार्टनरशिप में नहीं बनाने के लिए दिया जाता है, नॉर्मली पार्टनरशिप में जो सबसे ज्यादा दिया जाता है दैट इज पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या उनका ट्रेडिंग अकाउंट होता ही नहीं है, नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जरूर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, जिस भी चीज का सेल करते हैं प्रोडक्ट का या सर्विस का, ठीक है, तो नॉर्मली ट्रेडिंग यानी प्रोडक्ट रिलेटेड ही हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग देखोगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां ट्रेडिंग नहीं देता है, मतलब हम ये बोल रहे हैं पॉपुलरली क्या है कि यही चीज हमें पूछा जाता है, पीएल कभी कभार पूछ लेता है, मैक्सिमम केसेस में पीएल एप्रो पूछता है। अब ये पीएल एप्रो क्या है वो भी हम बताएंगे, और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए देता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। और उसके लिए हमें दो मेथड्स दे दिया जाता है, यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं, बाद में एक-एक चीज बता देंगे। एक होता है फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिक्स्ड मेथड मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, और फ्लक्चुएशन मेथड, ये दोनों मेथड, तो ये हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, और एक बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है। तो नॉर्मली हम लोग को क्वेश्चन आएगा पीएल एप्रो बना दो, क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल अकाउंट बना लो, क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस शीट बना लो, लेकिन ट्रेडिंग बना लो या पीएल बना लो ये काफी कम आता है, ये हमें पार्टनरशिप में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप वाले ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ट्रेडिंग पीएल का कंसेप्ट तुम लोग को पता है, ट्रेडिंग से हमें ये पता चलता है सेल करके क्या मिला, मतलब कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद जब बिजनेस को देखो, बिजनेस में सिर्फ सेल करने से जो है इनकम होता है, तो एक्सपेंस सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको परचेज करने का, इसके अलावा भी बिजनेस का अलग अलग एक्सपेंसेस होता है, बिजनेस को मेंटेन करने का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, रेंट वगैरह, तो वो सब हम लोग पीएल में दिखाते हैं और उससे हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये तुम लोग को पता है नॉर्मली। उसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे पार्टनरशिप में, अब वो क्या है जब पॉइंट आएगा तो हम बताएंगे, अभी फिलहाल हम लोग पार्टनरशिप में क्या क्या करना पड़ेगा वो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, तुम लोग लॉ में जरूर पढ़े होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, ज्यादा मुझे जरूरत भी नहीं है मेरे अकाउंटिंग पर्पस में। ये देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप
पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन बिटवीन पर्संस है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ये क्या बोल रहा है, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है पार्टनर लोगों के बीच में. और वो कैसा रिलेशन होता है कि उसमें वो लोग प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो मतलब एक बिजनेस, सभी मिलके एक बिजनेस करेंगे, जो उससे जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे. और यहाँ पर बोला है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इस लाइन का मतलब क्या है, मान लो तीन पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टनर है. अब तीनों में से ए ने कोई किसी चीज का डिसीजन लिया, ठीक है, तो ये जो ए ने डिसीजन लिया उसका जो है इम्पैक्ट तो बी सी पे आएगा ही आएगा और उनको वो इम्पैक्ट लेना भी पड़ेगा. मतलब ए ने कुछ किया, मतलब मान के चलो कि वो बी सी ने भी किया, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो. तो वही होता है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक का एक्टिविटी सभी का एक्टिविटी माना जाएगा. मतलब बी ऐसा नहीं बोल सकते मुझे तो नहीं पता था ए ने ऐसा डिसीजन लिया, ठीक है. पार्टनरशिप में अगर हो तो पार्टनर, कोई भी पार्टनर ने अगर कुछ भी डिसीजन लिया है उससे हमारा जो आउटपुट है वो चाहे गुड हो या बैड हो वो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि हमारा एनी ऑफ देम, ये देखो कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी बिजनेस कर रहे हैं मतलब सभी का डिसीजन है तो भी ठीक है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब अगर सिर्फ ए ने डिसीजन लिया तो भी माना जाएगा कि बी और सी ने भी वो डिसीजन लिया हुआ है चाहे उनको पता हो या ना हो. इस पॉइंट का मतलब होता है. ये छोटा छोटा पॉइंट हम बताते जा रहे हैं, कभी कभी तुम लोग को एमसीक्यू वगैरह जो छोटा मोटा होता है येस नो पूछता है ना कि बताओ ट्रू फॉल्स है, तो उसमें तुम लोग को ये काम आएगा. फीचर्स क्या है, देखो पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है. पहला फीचर्स क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट. तो ये हम बता रहे थे, देखो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, बाकी तुम लोग यहां से पढ़ सकते हो, बता देते पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करना नेसेसरी नहीं है. एग्रीमेंट यानी हम बोल रहे हैं रिटेन एग्रीमेंट, ठीक है, रिटेन एग्रीमेंट करना नेसेसरी नहीं है. यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देते हैं. ये देखो एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप में दो तरीके से हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और जो है रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर रिटन एग्रीमेंट हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, ठीक है. अच्छा, लेकिन ये मैंडेटरी भी नहीं है, ये जो है डीड क्रिएट करना नॉट मैंडेटरी. पार्टनरशिप के केस में डीड बनाना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता है. ओरल एग्रीमेंट के थ्रू से भी हम लोग जो है पार्टनरशिप को जो है कैरी ऑन कर सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, अगर फ्यूचर में मान लो पार्टनर लोग के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो ओरल एग्रीमेंट के थ्रू से हम लोग कभी भी कोर्ट में केस सू नहीं कर सकते हैं, ठीक है. पार्टनर कभी भी एक दूसरे पे केस सू नहीं कर पाएगा अगर उनका ओरल एग्रीमेंट है. लेकिन अगर उनके पास रिटन एग्रीमेंट है तो अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो लोग कोर्ट तक जो है जा सकते हैं, मतलब कोर्ट का हेल्प ले सकते हैं. ओरल एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, बाकी मैंडेटरी नहीं है. समझ के करो, ओरल एग्रीमेंट करना है कि रिटन एग्रीमेंट करना है. रिटन एग्रीमेंट करने पे कोर्ट में केस शुरू करने का फैसिलिटी मिलेगा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है. ऐसे ही तो कोई जाएगा नहीं कोर्ट तक. और अगर ओरल एग्रीमेंट किए हो तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाला, ठीक है. ये देखो ये फॉर्मल और रिटन, फॉर्मल मतलब मैंने ओरल लिख दिया, तुम लोग चाहो तो उसे फॉर्मल की जगह ओरल लिख सकते हो. फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट ए पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि ओरल या रिटन एग्रीमेंट बनाओ, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी नहीं है, कर सकते हो, ठीक है. फिर देखो बोल रहे बिजनेस होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप कर रहे हो तो एक बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पार्टनर बन गए. मतलब पार्टनरशिप बिजनेस तब बोला जाएगा अगर कोई बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है तो, ठीक है. ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये सब हम कहां से बोल रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो तुम लोग लॉ में पढ़ते हो, ठीक है. तो वहां पर बोला गया है कि बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. मतलब पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस. बिजनेस के केस में ही हम लोग उसे बोलेंगे कि हाँ पार्टनरशिप है, ठीक है. तो ये पार्टनरशिप जो है किस चीज का हो सकता है, कोई भी ट्रेड, कोई ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, मतलब
तीन चार मान लो डॉक्टर मिलके एक चेंबर ओपन कर दिए तो वो भी पार्टनरशिप में हो गया, तो वो उनका प्रोफेशन हो गया. दस इट इज नॉट द एग्रीमेंट अलोन विच क्रिएट्स ए पार्टनरशिप. सिर्फ एक एग्रीमेंट बना लिया तो पार्टनरशिप नहीं बन जाता है. कुछ काम कर रहे हो तभी पार्टनरशिप है, मतलब कुछ बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तभी पार्टनरशिप है. तो सेकेंड पॉइंट हो गया बिजनेस. ठीक है, तो ये तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो जब हम पीडीएफ शेयर कर देंगे. उसके बाद बोला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 तो क्या बोला है कि पार्टनर लोग प्रॉफिट शेयर कैसे करेगा, पार्टनर लोग प्रॉफिट शेयर करेगा. कुछ नहीं बोला हुआ है एग्रीमेंट में तो इक्वली. ठीक है, कैसे शेयर करेगा देखो, अगर कुछ नहीं बोला हुआ ये पॉइंट लिखवा देते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि इफ नो डीड, अगर डीड नहीं बना हुआ है मतलब किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट लिख देते हैं. अब एग्रीमेंट कोई भी एक तरीके से हो सकता है. इफ नो एग्रीमेंट देन इक्वली शेयर होना चाहिए प्रॉफिट. ठीक है, और अगर इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है देन फॉलो द रेशियो. तो वहां रेशियो बोला हुआ रहेगा कि किस रेशियो में पार्टनर लोग जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो उसी रेशियो में शेयर हो जाएगा. अच्छा देखो वही बोला है यहाँ पर, द पर्सन कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. जो भी पार्टनर होगा उनका एक कंसर्न तो होगा कि मुझे प्रॉफिट शेयर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉसेस दस ए प्रोविजन ऑफ शेयरिंग. अच्छा ये वाला पॉइंट भी बोला है. देखो मैंने जो बोला वो तो तुम लोगों को फॉलो करना ही है. हाँ एक चीज बता देते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो लॉस शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है. लॉस शेयरिंग कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बिजनेस में कभी लॉस नहीं हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. लेकिन एक्ट में इसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला है. लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा कि लॉस कैसे शेयर होगा तो उसमें भी हम लोग सेम प्रोविजन लगाएंगे. अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है नहीं दिया है तो इक्वली. ठीक है, हम लोग तो क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का एक ही कंसेप्ट लगाएंगे. बाकी अगर लीगली देखा जाए अकॉर्डिंग टू लॉ तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लॉस शेयरिंग के बारे में हमें कुछ नहीं बोलता है. फिर हो गया म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब वही जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बोला कि जो भी काम कर कोई भी करेगा, अगर तीन पार्टनर है तीनों पार्टनर में से कोई एक का जो एक्ट है वो सभी का माना जाएगा या फिर सभी एक साथ मिलकर भी एक्ट कर सकते हैं. ये देखो कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, ये हो गया. और इनमें इसीलिए रिलेशन कैसे होता है, पार्टनर में रिलेशन होता है हमेशा प्रिंसिपल और एजेंट का. अच्छा प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या हो गया, ये देखो जैसे तीन पार्टनर है. ठीक है, ए बी सी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्रिंसिपल है किसका, बी और सी का. तो बी और सी क्या हो जाएंगे, एजेंट हो जाएंगे. मतलब अगर प्रिंसिपल और एजेंट का बात करें, ए क्या हो जाएगा, ए जब प्रिंसिपल है बी और सी क्या हो जाएगा, उसका एजेंट. ठीक है, और अगर बी प्रिंसिपल हुआ तो ए और सी एजेंट. मतलब क्या प्रिंसिपल होने का कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मतलब ये हो गया कि सभी सबके एजेंट है, सभी सबके प्रिंसिपल है, यानी सभी का बात सुनना पड़ेगा. पार्टनर मतलब क्या, इक्वल दर्जा हो गया ना. मतलब ऐसा थोड़ी है कि ए तुम्हारा बात हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं बोला जा सकता है. कि बी तुम्हारा बात हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसा सी नहीं बोल सकता है. कोई किसी को ऐसा नहीं बोल सकता भाई तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे. मान लो ये दोनों में अच्छा बनता है, ये दोनों एक साइड हो गए, बोल रहे ए का बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते. इसका मतलब क्या है, सभी को सभी का बात सुनना पड़ेगा. अगर ए कुछ बोल रहा है तो इन दोनों को भी सुनना पड़ेगा. हाँ ऑब्वियसली इलीगल काम वगैरह के लिए नहीं है. और अगर मतलब वही रिलेशन क्या हुआ, प्रिंसिपल और एजेंट का, अगर बी कुछ बोल रहा है तो ए सी उसे सुन रहा है तो ये दोनों एजेंट हो गए. अगर सी कुछ बोल रहा है तो ए भी सुनेगा तो वो उनके एजेंट हो गए. तो हर एक टर्म में क्या हो जाएगा, मतलब हर एक टाइम क्या हो जाएगा, जब कोई कुछ बोल रहा है तो वो प्रिंसिपल की तरह ट्रीट हो रहा है बाकी दो एजेंट की तरह. मतलब पार्टनर लोगों में ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कोई नहीं बोल सकता है कि मैं ही प्रिंसिपल हूँ. तीनों ही प्रिंसिपल है, तीनों ही तीनों के एजेंट है. ठीक है, किसी का ऐसा नहीं है कि कोई मतलब क्या बोले, मतलब कोई सिर्फ प्रिंसिपल है, कोई सिर्फ एजेंट है, ऐसा नहीं है. सभी सबके बी अगर सोचेगा हम प्रिंसिपल है, नहीं प्रिंसिपल हो ठीक है लेकिन तुम एजेंट भी हो. सी प्रिंसिपल भी है, सी एजेंट भी है, ए प्रिंसिपल भी है, ए एजेंट भी है. तो वही चीज बोला है यहाँ पर. देखो इट मींस दैट बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. दस इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स
not only for himself but for other also, so that they stand in the position of principal and agent. They are partners. तभी उन्हें partner बोला जाएगा. फिर minor का क्या बोला है? क्या हम लोग minor को partnership में ले सकते हैं? हाँ, minor को हम लोग partnership firm में ले सकते हैं. ऐसा बात नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक condition होता है कि minor को सिर्फ share of profit मिलेगा. मतलब अगर loss होता है तो minor को वो लेना नहीं पड़ेगा. ठीक है, मतलब sharing जो है सिर्फ profit का ही minor करेगा. minor है ना, उसे loss नहीं दिया जाएगा. He cannot be made to share loss of the firm. If partnership firm share losses, then it will be borne by the other major partners in their profit sharing ratio. मतलब वही बच्चा है, ठीक है, minor है, तो minor को क्या बोला जा रहा है कि ठीक है तुम profit ही share करना, तुम partner बन जाओ, profit ही लेना, अगर loss हुआ तो नहीं लेना पड़ेगा. जैसे बचपन में क्या होता है कि अगर कोई छोटा हमसे खेल रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ठीक है भाई उसको हम लोग आउट नहीं करेंगे, उसी तरीके से. ठीक है, तो ये माइनर एज पार्टनर का मतलब वही हो गया कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट ले लो, लॉस अगर हो भी जाता है तो तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा. ये एक प्रोविजन. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम जो है दो लोगों का होना चाहिए. पार्टनरशिप का रूल्स क्या है, मिनिमम दो होना चाहिए. मैक्सिमम क्या होगा उसका रूल्स देखो क्या बोला है. एज पर सेक्शन 464 Companies Act 2013 के according, no association or partnership consisting of more than 100 number of person as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on business. ये तो पूरा law का language दे दिया. मुझे तो इतना नहीं चाहिए, मतलब at least accounts के लिए तुम लोग को इतना नहीं चाहिए. हाँ याद रखो, मतलब section 464 तुम लोग के law में काम आएगा. But यहाँ पर देखो, Companies Act 2013 के according minimum दो और maximum 100 लोगों का partnership बन सकता है. तो मैंने बोला हम यहाँ पर लिखवा देंगे, तो हम लिखवा रहे एटलीस्ट टू मैक्सिमम 100. यहाँ पर लिख देते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्योंकि और एक रूल्स भी है. तो पार्टनरशिप जो बनेगा वो मिनिमम दो लोगों का होगा, वो तो हमें पता ही है. मिनिमम दो के बिना क्या पार्टनरशिप होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 100. ये कहां पर बोला हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 2013. और उसके बाद रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट रूल्स 2014 ने बोला है कि 50, 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम 50. तो देखो रूल्स 10 रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम होगा 2, वो तो फिक्स्ड ही है. मिनिमम तो 2 के बिना पार्टनरशिप नहीं होगा, मैक्सिमम 50 होगा. तो ये दो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप का टोटल जो है मिनिमम मैक्सिमम नंबर गिवन है. ठीक है, एटलीस्ट 2 दोनों ही केस में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसका डबल 100. ठीक है, तो ये हो गया. अच्छा, इसके बाद हम लोग एलएलपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि एलएलपी का कंसेप्ट क्या है. तो देखो यहाँ पर अगर थियोरिटिकली पूछ ले, ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस दे दिया है एलएलपी और पार्टनरशिप का. ये पढ़ने से हमारे पास काफी सारा जो है नॉलेज बन जाएगा कि पार्टनरशिप क्या है और एलएलपी क्या है. वैसे मैंने काफी सारा बताया भी तुम लोगों को पॉइंट. अब देखो पार्टनरशिप जो है जिस लॉ के अकॉर्डिंग बना हुआ है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये तुम लोग पढ़ते हो, एलएलपी भी तुम लोग पढ़ते हो लॉ में. एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये 2008 के अकॉर्डिंग जो एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये 1932 का, यानी काफी पुराना है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी. अब देखो यहाँ पर एक चीज पहले बताते हैं कि ये एलएलपी और पार्टनरशिप में फर्क क्या है. पार्टनरशिप तो समझे क्या होता है, एलएलपी का फीचर्स क्या है. एलएलपी में ना दो चीजों का मिक्सचर है. क्या है, एक है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. एलएलपी क्यों लाया गया, पार्टनरशिप में जो ड्रॉबैक था उसे एलिमिनेट करने के लिए ना एलएलपी लाया गया. तो क्या पार्टनरशिप नहीं होता है, होता है, एलएलपी भी होता है. लोग एलएलपी भी बनाते हैं, पार्टनरशिप भी बनाते हैं, जिनको जो ठीक लगता है. ठीक है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं कि कौन सा करने से उनके लिए बेटर है. बाकी एलएलपी में क्या कॉम्बिनेशन लाया गया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बेनिफिट्स या फीचर्स होता है वो कुछ जो है लिया गया है,
प्लस कुछ है फ्लेक्सिबिलिटी जो है पार्टनरशिप में वो लिया गया है, यानी एलएलपी थोड़ा थोड़ा कंपनी की तरह है, प्राइवेट कंपनी की तरह और थोड़ा सा पार्टनरशिप की तरह है, दोनों का मिक्स्ड अप है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका प्रूफ देखो, अब ये पॉइंट पढ़ने से ना हमारा ये सारा पॉइंट बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, क्यों? क्योंकि इसका तो एग्रीमेंट ही ऑप्शनल है, ओरल करो तो भी चलेगा, अगर रिटन एग्रीमेंट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जैसा करना चाहो कर सकते हो, कुछ कंपल्सरी नहीं है, ये बोला गया है। अच्छा अब देखो यहां पर यहां बोला है कंपल्सरी विद आरओसी, कंपल्सरी विद आरओसी, तो ये देखो एलएलपी में मैंने पहले ही बोला ना कि कंपनी का थोड़ा सा ये देखो कंपनी का फीचर्स लाया गया है, तो फिर उसे रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा, तो कंपल्सरी है। एलएलपी बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, लेकिन पार्टनरशिप बनाओगे तो ऑप्शनल, उसका लॉजिक भी देख लो, ऑप्शनल तो होगा ही क्योंकि इसमें एग्रीमेंट ही बोल रहा है ऑप्शनल है, भाई बनाओ नहीं बनाओ तुम्हारा मर्जी, तो इसीलिए। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, क्रिएशन क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय लॉ, ये एग्रीमेंट से ही बन जाता है, चाहे ओरल बनाओ चाहे जो है रिटन बनाओ, ठीक है, अगर कुछ करना ही है तो एग्रीमेंट काफी है, लेकिन यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट से नहीं बनेगा, उस एग्रीमेंट को अप्रूव करने के लिए लॉ का यूज किया जाएगा, बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे ओरल एग्रीमेंट कर लिए तो फिर उसमें कुछ मतलब लीगल काम होगा ही नहीं, रिटन जब भी कुछ काम होता है, रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, डीड जब बनता है तो उसमें लीगल एप्लीकेशन आते हैं, तो ये एग्रीमेंट से ही बन जाता है, बट इसको बनाने के लिए लॉ का जरूरत होता है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है क्योंकि इसमें कोई कंपनी का फीचर्स ही नहीं है, जैसे कि मैंने बोला एलएलपी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फीचर्स रहेगा, इसीलिए ये बॉडी कॉर्पोरेट है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी तुम लोग लॉ में पढ़ते ही हो, ठीक है, लीगल एंटिटी का मतलब है जैसे देखो कि कंपनी, कंपनी तो तुम लोग कंपनी लॉ जो पढ़ते हो, तो कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के ओनर और कंपनी एक नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसे नहीं माना जाता है, पार्टनरशिप और पार्टनर एक ही है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है, क्यों, क्योंकि कंपनी का होता है और इसमें प्राइवेट कंपनी का फीचर्स इंक्लूड, एलएलपी को बनाया गया है दोनों के मिक्स्ड अप से, तभी तो देखो इसमें कंपनी का क्या क्या फीचर्स आ गया, इसको लॉ बनाएगा, क्योंकि तुम लोग कंपनी का भी सोचो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है, तो वही हो गया यहाँ पर भी, एलएलपी क्रिएटेड बाय लॉ कंपनी का फीचर्स, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी का फीचर्स, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी का फीचर्स, इसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी से कंपनी का फीचर्स, तो ये सब कंपनी का फीचर्स आ गया, लेकिन इसमें ऐसा कोई फीचर्स नहीं होता है। फिर देखो परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब चलता ही जाएगा, ठीक है, चलता ही जाएगा, जैसे अगर मान लो कोई पार्टनर का डेथ हो गया, तीन पार्टनर थे ए बी और सी, ठीक है, अब मान लो सी का डेथ हो गया, ठीक है, सी का डेथ हो गया, अब क्या होगा, ए बी क्या बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उनको नया पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा, ठीक है, सेम जो बिजनेस है नाम रह सकता है, लेकिन जो एग्रीमेंट वगैरह है जो पहले ए बी सी के नाम पे था उसे ए बी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसे रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी यानी एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें कंपनी का फीचर्स है, तो अगर कोई पार्टनर एलएलपी में डेथ हो जाता है किसी का तो वो कंटिन्यू एज इट इज कर सकता है, इसीलिए इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, कौन मर गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप में पड़ता है, अगर सी मर गया, ठीक है, तो ए बी को फिर से नया सारी चीजों को रेडी करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं बिजनेस, ऐसा नहीं है कि सी का डेथ हो गया तो बिजनेस बंद हो जाए, कर सकते हैं, बट न्यू एग्रीमेंट वगैरह सारा चीज करना पड़ेगा। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी का मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड इंडिविजुअल पार्टनर मे कम एंड गो, इंडिविजुअल पार्टनर आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, इसका कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है कि कोई आया गया कोई मर गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप में मिनिमम दो मैक्सिमम 50, ये तो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखा, सॉरी हाँ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखा नहीं, ये रूल 2014 के अकॉर्डिंग देखा 50, ठीक है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, और एलएलपी मिनिमम टू मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखा गया है
अगेन कंपनी जैसा फीचर्स. ओनरशिप देखो एसेट का बोल रहा है कि फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर्स ओन द एसेट ऑफ द फर्म. मतलब बिजनेस अगर पार्टनरशिप है वहां जितने भी एसेट है वो सबके ओनर पार्टनर है. क्यों? क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं. ठीक है, वैसे ही एलएलपी एज इंडिपेंडेंट एंटिटी, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कैन ओन एसेट. मतलब बिजनेस का एसेट और पार्टनर का एसेट एक नहीं होगा इन केस ऑफ एलएलपी. ठीक है, लाइबिलिटी. अब देखो लाइबिलिटी क्या हो जा रहा है यहाँ पर, यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था जिस वजह से एलएलपी आया. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है. अनलिमिटेड का मतलब मान लो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, बंद हो गया, ठीक है, और मार्केट में काफी ज्यादा उधार है, लाइबिलिटी है, पार्टनर लोग को पे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो वो लोग बिजनेस का एसेट वगैरह बेच के पे करेंगे. फिर भी अगर कम पड़ जाता है तो अपना पर्सनल एसेट बेचना पड़ेगा, अपना पर्सनल एसेट बेचना पड़ेगा, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ठीक है, और ऐसा भी होता है, मान लो दो पार्टनर, तीन पार्टनर है जिसमें से सी के पास कुछ भी नहीं बचा. मान लो सी के पर्सनल खास कुछ एसेट है ही नहीं, या फिर सी इंसॉल्वेंट हो गया है पर्सनली, तो ए बी को पूरा बेयर करना पड़ेगा, सी का लॉस भी बेयर करना पड़ेगा. इसी वजह से तो जो है एलएलपी लाया गया. तो देखो पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर एक्शन ऑफ अदर पार्टनर. जो मैंने अभी बोला कि मान लो सी हो गया इंसॉल्वेंट, अब बिजनेस बंद होने वाला है, तो सी का लॉस भी बेचारे ए बी को देना पड़ेगा. ठीक है, तो वही हो गया, पर्सनल एसेट तक बिक जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो पर्सनल एसेट भी बेचना पड़ेगा. लेकिन एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है. लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द ऑमिशन और कमीशन बाय पार्टनर. समझाते हैं, जैसे मान लो तीन पार्टनर है जिन्होंने एलएलपी किया है, ठीक है, एबीसी एलएलपी में ये लोग पार्टनर है. अब इनका कंट्रीब्यूशन मान लो इसका रेशियो है 20%, इसका है 30%, इसका है 50%, तो इसका मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20-30-50 है, या फिर इन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन इतना इतना किया है. ठीक है, तो इनका लाइबिलिटी भी उतना ही होगा. जब बिजनेस बंद हो जाएगा बाय चांस किसी रीजन से, तो इनका लाइबिलिटी भी इतना इतना ही होगा, देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी. अब लेकिन अगर ये तीनों मिलकर कोई फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर का भी पर्सनल एसेट बिकेगा, वो तो अलग चीज हो गया, क्योंकि इलीगल काम, अनलॉफुल काम, रॉन्ग कुछ भी एक्ट, वो तो हमारे लिए परमिसिबल है नहीं, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं. ठीक है, रॉन्ग कुछ एक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते हैं. अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला रिलेशनशिप. तो यहाँ पर वही बोला है, देखो पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर. तो पार्टनर क्या है, एक दूसरे के भी एजेंट है, फर्म के भी एजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एलएलपी में पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर. यहाँ पर बोल रहा है कि पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के एजेंट है, बाकी किसी के भी नहीं. जैसे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन था ना ए बी और सी के बीच में, ये देखो ए बी और सी के बीच में जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन था वो एलएलपी में नहीं होगा. ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर, ये देखो जैसे यहाँ पर ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रिंसिपल, ये तीनों तीनों के प्रिंसिपल है, तीनों तीनों के एजेंट है, एज वेल एज फर्म के भी एजेंट है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों सिर्फ और सिर्फ फर्म के एजेंट है. ये किन के एजेंट है, फर्म के एजेंट है. ठीक है, और ये एक दूसरे के भी है, फर्म के भी है. ठीक है, ये चीज बोला गया है, तो इससे हमारा एक जो है क्लियर आइडिया हो जाता है एलएलपी क्या है और पार्टनरशिप क्या है. तो एलएलपी में देखो ये फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, कंपनी का भी और ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का भी रखा गया है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्लॉज बोला है डीड का. डीड का क्लॉज तुम लोग खुद से रीड कर सकते हो नॉलेज के लिए. जैसे हम बता देते हैं, डीड अगर कोई बना लेता है, डीड का मतलब अगर रिटन एग्रीमेंट बना लेता है तो वो डीड बन जाएगा. अभी मैंने यहाँ लिखा था डीड में क्या लिखवाना पड़ेगा, नॉर्मली क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर का नाम, बिजनेस जो कर रहे हो बिजनेस का नाम, कब से बिजनेस स्टार्ट हुआ, कितने दिन हो चुका है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कितना कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है,
कितना ड्रॉइंग्स के लिए अलाउड किया गया है, कब ड्रॉइंग्स किया जा सकता है, बिजनेस से किस टाइम पे ड्रॉइंग्स किया जा सकता है, क्या रेट ऑफ कोई इंटरेस्ट है, मतलब पार्टनर्स बिजनेस में जो कैपिटल लगा रहे हैं क्या उससे उन्हें कोई इंटरेस्ट मिलेगा, क्या अगर वो बिजनेस को लोन देते हैं उस पर उन्हें कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का कोई रेशियो दिया हुआ है कि नहीं वो लिखवा सकते हैं, ठीक है, और बोल सकता है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो वो लिखवाओ, ठीक है, या फिर पार्टनर का यहाँ पर बोला है एनी वेरिएशन इन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, क्या पार्टनर का कोई मल्टीपल ड्यूटीज या कुछ राइट्स वगैरह है, अगर हम लोग ऐसा कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी लिखवा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये देखो गुडविल का वैल्यूएशन कब कब वो कब करना पड़ता है, नॉर्मली एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट, डेथ या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, हम जस्ट बता रहे कि डीड में क्या क्या लिखवाया जा सकता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको उनका ड्यूज कैसे पे किया जाएगा, किसी का डेथ हो जाता है तो उनके डिजीज्ड पार्टनर का, उस डिजीज्ड पार्टनर के जो एग्जीक्यूटर है, मतलब अगर किसी का डेथ हो गया तो उनके जो एग्जीक्यूटर से, मतलब जो उस बात को जो है मैनेज करेंगे, मतलब हम ये बोल रहे हैं मान लो तीन पार्टनर, मतलब एक लीगल पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाता है ना, जैसे मान लो तीन पार्टनर है ए बी सी, जिसमें से मैंने बोला कि सी का डेथ हो गया, अब इनको तो इनका ड्यूज तो इन्हें देना पड़ेगा ना, मतलब बिजनेस किए इतने दिन तो बिजनेस में जो इन्होंने मेहनत किया उससे प्रॉफिट, उनका कैपिटल, सारी चीज इनको रिटर्न करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, तो अब इनका तो डेथ हो गया, इनको कैसे रिटर्न करें, तो इनके एग्जीक्यूटर, मतलब लीगल पर्सन होता है, उनको दे दिया जाता है, तो कैसे देंगे उसके बारे में लिखवाना चाहिए कि क्या-क्या देना है, ठीक है, लॉस अगर होगा इंसॉल्वेंट हो जाने पे किसी पार्टनर का तो लॉस को कैसे शेयर करेंगे वो लिखवा सकते हैं डीड में, ठीक है, और क्या बोला है कि अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है सेटलमेंट के टाइम पे तो वो कैसे मैनेज होगा उसके बारे में, उसका प्रोसीड्योर, और कैसे करके ऑडिट किया जाएगा उसका प्रोसीड्योर, मतलब ये देखो ये जो 14 पॉइंट्स है ये हमें बताता है कि डीड में हम लोग क्या क्या मेन क्लॉज रख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग डीड में रख सकते हैं। अब हमारे अकाउंटिंग पर्पस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि अगर डीड बना हुआ है तो क्या होगा, डीड नहीं बना हुआ है तो क्या होगा, ये पॉइंट को देखना, ये देखो अगर हम लोग का डीड नहीं बना हुआ है, एब्सेंस ऑफ डीड, तो क्या होगा, सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। देखो अगर कोई डीड नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली शेयर होगा, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, लेकिन अगर डीड बना हुआ है तो डीड में जितना लिखा हुआ है उतना परसेंट लोन का इंटरेस्ट मिलेगा। हम फिर से बता रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, एब्सेंस है अगर पार्टनरशिप डीड, तो दो ही चीज मिलता है पार्टनर लोगों को, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो इक्वली शेयर करने को मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो उसे 6% पर एनम पे लोन मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो सैलरी, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा। ये सब तब एप्लीकेबल होता है जब जो है मेंशन किया हुआ होगा डीड में, अगर डीड ही नहीं है तो बस दो ही चीज एप्लीकेबल होता है, एक तो लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा 6%, उससे ज्यादा भी नहीं, कम तो कोई लेगा नहीं, चलो ज्यादा नहीं मिलेगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर करने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये नोट दे दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। क्या बोला है कि अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू ए पार्टनर, पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट अगर देना है, विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब बताते हैं एग्रीमेंट नहीं था और अचानक से ये डिसाइड हुआ कि सैलरी देंगे पार्टनर, हो सकता है कि पार्टनर बहुत मेहनत कर रहा है तो इनको एक सैलरी देना चाहिए, बट डीड में लिखा हुआ नहीं है तो सैलरी क्या दे सकते हैं, बोल रहे हैं हाँ दे सकते हैं, अगर प्रॉफिट है तो दे सकते हैं, ऐसा बोल रहा है, और इंटरेस्ट के बारे में भी ऐसा बोला है, ठीक है, ये इंटरेस्ट मतलब ये कैपिटल का इंटरेस्ट का बात हो रहा है, लोन वाला नहीं, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट का फिक्स्ड रूल होता है कि अगर लोन दे रहा है पार्टनर और डीड मिसिंग है तो 6% मिलेगा और प्रॉफिट लॉस इक्वली होगा,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा. अब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज. यहाँ पर देखो, तुम लोग बताओ कि आंसर क्या होगा. ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2019. नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड आइदर ओरल और रिटेन. ठीक है, ए बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, ये कब से बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, 1 जनवरी 2019 से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. इनका एग्रीमेंट नहीं है, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, ये देखो, ना ओरल ना रिटर्न. कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है 40,000, इन्होंने दिया है 10,000 कैपिटल. इन एडिशन ए ऑल्सो एडवांस 20,000 ऑन 1 जुलाई 2019. तो 1 जुलाई 2019 में ए ने एडवांस मतलब लोन दिया है, एडवांस मतलब लोन दिया है, 20,000 एडवांस किया है, ठीक है. फिर बोल रहा है ए मेट विद एन एक्सीडेंट, ए का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कब, 1 अप्रैल 2019 को. उसके बाद एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30th June. अब इस बीच अप्रैल से लेके जून के बीच में ए बिजनेस करने आ ही नहीं पाया, बिकॉज उसका हो गया था एक्सीडेंट. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 50,600, और इनका प्रॉफिट जो है पूरे ईयर एंड में दिखा इतना. डिस्प्यूट हैविंग बीन अराइज, अब इनके अंदर झगड़ा स्टार्ट हो गया, अब एग्रीमेंट तो बना हुआ नहीं है, तो अगर आपस में जो है इसको मीट कर लेते हैं तभी ठीक है, अगर आपस में ये नहीं सुलझा पाए तो फिर कोर्ट तक जाने का तो कोई इनके पास रास्ता है नहीं, जबकि एग्रीमेंट बनाया नहीं है तो कोर्ट तक जा ही नहीं सकते हैं. तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, having been arise between them for sharing of the profit. अच्छा, dispute किस बात का हुआ, profit share को लेके, ठीक है. अब देखो क्या बोल रहा है, A का claim क्या है, he should be given interest at 10% per annum on capital. A बोल रहा है कि मुझे ये जो capital है इस पे 10% per annum करके मुझे interest दे दो, एंड लोन, मैंने जो 20,000 लोन दिया था उस पे भी 10% per annum मुझे interest दे दो. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, और बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के प्रोपोर्शन यानी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 4:1 में, 40,000 और 10,000 का 4:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बोलो क्या ए का क्लेम सही है, क्या ए जो भी बोल रहा है क्या वो सही है, बोलो. अरे बोलो, कोई भी बोलो. अभी अभी तो मैंने रूल्स बताया, बोलो ये क्वेश्चन का आंसर सभी कोई देता है नॉर्मली मुझे, बोलो कि ये क्या होगा आंसर, कि ए जो ये सब क्लेम कर रहा है. हाँ बोलो. प्रॉफिट तो इक्वली शेयर हो जाएगा, लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा. लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो कितना देना चाहिए, 6%. हाँ तब दिया जाएगा, लेकिन 10 तो नहीं दे सकते है ना, 10 नहीं देंगे. लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा लेकिन 6% दिया जाएगा, सही हुआ है, बस इतना ही तो बोलना था और कुछ भी नहीं. तो यहाँ पर सही हुआ आंसर, ठीक है, वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. अभी तक जो मैंने इतना बोला उसको सुनोगे तब जरूर आंसर दे पाओगे. देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, देखो नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, जब डीड ही नहीं बनाया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, क्योंकि बिना डीड के दो ही चीज मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और लोन पे इंटरेस्ट 6%. ये देखो 6% लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर होगा किसी तरह का. अच्छा ये कुछ नेक्स्ट पॉइंट का शायद है, नो रेमुनरेशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, वो कुछ नीचे का यहाँ का कुछ डिटेल्स होगा. बी ने क्या क्लेम किया है, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, ही शुड बी अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस. एक एक्सीडेंट हो गया नहीं आ पाया तो वो जितना दिन नहीं आ रहा था बिजनेस में उतने दिन के लिए बोल रहा है 1,000 पर मंथ करके मुझे सैलरी दे दो. कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6% पर एनम, बोल रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट दो 6% और लोन पे भी इंटरेस्ट दो 6%. ऐसा इसका लॉजिक है बोलने का कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या बी सारे बात सही बोल रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, बोलो क्या क्या सही है क्या क्या गलत है. बोलो फर्स्ट पॉइंट बी का सही है कि प्रॉफिट इक्वली शेयर होना चाहिए, क्या इस बात पे हमें कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए? नो मैम.
सही बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि रेमुनरेशन दे दो मुझे, ए नहीं आया ना तो मैंने ज्यादा मेहनत किया तो मुझे सैलरी दे दो, क्या ऐसे हम लोग सैलरी मांग सकते हैं? सैलरी कब मिलता है? जब डीड में लिखवाया हुआ होगा, अभी तो मैंने पढ़ा है तो अब। हाँ बोलो बोलो। नहीं मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा क्योंकि जब डीड ही नहीं है तो कैसे मिलेगा। अच्छा आप बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, लोन लोन पे भी इंटरेस्ट 6%, क्या ये दोनों बात सही है? लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा बट कैपिटल पे नहीं। हाँ लोन पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, 6% मिल जाएगा, ये सही है, बट कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हो गया बस। देखो एक चीज हमेशा बस दो ही पॉइंट याद रखो, डीड है कि नहीं है। अगर डीड नहीं है तो लोन का इंटरेस्ट मिलेगा 6% और प्रॉफिट शेयर होगा इक्वली, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। एब्सेंस अगर डीड है तो सिर्फ और सिर्फ लोन का इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो अगर तुम लोग को याद नहीं रह रहा है, चलो हम लिख ही देते हैं, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट या डीड क्या मिलेगा? सिर्फ दो ही चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। डीड नहीं बना हुआ है तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा 6% पर है ना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो और कुछ नहीं मिलेगा, ना तो सैलरी मिलेगा ना तो कमीशन, कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया था और कुछ नहीं। अच्छा चलो अब हम लोग यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल टू बोल रहा है ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अच्छा इनका रेशियो हमें गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल वेयर 15 लाख 30 लाख 60 लाख। अब ये फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? अभी तो फिलहाल कैपिटल ही मानो, फिक्स्ड हम बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो मुझे बताने में आसानी रहेगा, ये छोटे से क्वेश्चन से फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, तो कैपिटल मान लो इतना इतना है, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब अभी इतना सोचो, इसमें कुछ मिक्सडअप नहीं होगा। फॉर द ईयर 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 12% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब ऑब्वियसली डीड बना हुआ था तभी तो यहाँ कुछ रेशियो दिख रहा है, अब ओरल हो या मतलब एग्रीमेंट था, ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, एग्रीमेंट तो है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग रेशियो ये है, अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का बात हुआ था लेकिन जब इंटरेस्ट पे किया गया तब 12% करके पे कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 10%, जबकि 10% इंटरेस्ट देना था, तो एक्स्ट्रा 2% इंटरेस्ट दे दिया गया। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट का मतलब पहले समझ लो, ये एबीसी बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो जो कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, इन्होंने ये अपने ऊपर एक रूल्स लगाया, मतलब एक एग्रीमेंट में ये लिखवा लिया कि जितना भी हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उस पे हम लोग पर एनम 10% करके इंटरेस्ट ले लेंगे, ठीक है, पर एनम 10% करके इंटरेस्ट ले लेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट लेने का टाइम आया, क्योंकि देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट मतलब इनका इनकम है पार्टनर लोगों का और पार्टनरशिप बिजनेस का एक्सपेंस है, अब इन्होंने क्या किया है 12% गलती से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है, ठीक है, तो 2% करके एक्स्ट्रा जो है हम लोग का इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो देखो हम यहां पर लिखते हैं ए बी और सी, और यहां लिख दिया मैंने एक बार टोटल एक्सेस कितना इंटरेस्ट दे दिया है सबको, एक्सेस 2%, ठीक है। अब 2% मतलब कितना होगा, 15 लाख पे 2%, ये देखो 15 लाख इंटू 2%, अब ये सभी पर एनम है क्योंकि कुछ नहीं बोला हुआ है तो इम्प्लाइड है कि पर एनम है, ठीक है, इनटू 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर का हो गया। इसके बाद ये 30 लाख पे 2% एक्स्ट्रा मिला है, कितना एक्स्ट्रा मिला है वो हम पहले कैलकुलेट करें, फिर हम समझाते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री किस बात का होने वाला है। यहाँ पर 60 लाख इंटू 2% इंटू 1 ईयर, अब देखो ये हो जाएगा हम लोग का 30,000, ये हो गया आप लोग का 60,000, ये हो गया हम लोग का 1,20,000, ठीक है। तो टोटल करने पे हो जाएगा 60 और 30 90 और 1,20,000 हो जाएगा 2,10,000, ये एक्सेस अमाउंट चला गया है,
ठीक है, एक से सेवन। अब देखो थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करो। मान लो तीन पार्टनर हैं, तीनों ने इंटरेस्ट जो है चार्ज किया था 10%, गलती से 12% इंटरेस्ट इन्होंने ले लिया। ठीक है, अब ये गलती कैसे हो सकता है? मान लिया अकाउंटेंट से गलती हो गया, या फिर इनसे ही गलती हो गया, इनको पता चल गया कि हाँ हमसे गलती हो गया, हम लोगों को 12% लेना नहीं था, 10% लेना था। हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, गलती हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ये हो गया। अब जैसे इनको पता चलेगा ये अमाउंट को रिटर्न करेंगे, सोचो अगर मैंने गलती से किसी को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तो वो तो रिटर्न करेगा। अब ये एक दूसरे को तो रिटर्न नहीं कर रहे, ये हो रहा है कि फर्म बिजनेस में ही रिटर्न कर रहे हैं। बिजनेस से गलती से एक्सेस एक्सेस अमाउंट मिल गया है सभी को, वो जैसे ही इनको पता चला इन्होंने बोला भाई जिसने जिसको जितना एक्स्ट्रा मिला है सब लेके आओ। ठीक है, तो ए ने 30,000 ले आया, बी जो है अपना 60,000 ले आया, मुझे तो 60,000 एक्स्ट्रा चला गया था मेरे पास, और सी ने बोला मेरे पास 1,20,000 एक्स्ट्रा चला गया था। तो फिर इनके पास इन्होंने देखा, अच्छा हमारे पास अभी 2,10,000 है जो हम लोगों ने गलती से अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि होना चाहिए था 10%, बट हम लोगों ने कर दिया था उसे यहाँ पर 12%। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री करो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अमाउंट जो है ये जब हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, मेरे कहने का मतलब है इनको एक्चुअली कितना लेना चाहिए था, 15 लाख पे 10%, ठीक है, बट लिया 12%, मतलब इनको लेना चाहिए था 15,000 बट ले लिया है यहाँ पर इन्होंने 30,000। ठीक है, ये देखो 30,000 ले लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्सेस अमाउंट जो है ये 30,000 60 और 1,20,000 आ रहा है, चलो ऐसे ही समझते हैं। अब इन्होंने ये सारे अमाउंट जो है लेके आ गए, अब ये पैसे का करना क्या है, क्योंकि इसको तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, जो भी प्रॉफिट है। देखो इंटरेस्ट कहाँ से दिया गया होगा, सोच के देखो, जैसे बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक एफडी करते हो तो बैंक हमें एफडी पे इंटरेस्ट देता है, बैंक कहाँ से इंटरेस्ट लेके आता है, बैंक अपना बिजनेस करता है। ठीक है, बैंक का बिजनेस क्या है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, लोगों को लोन देना, तो लोगों से लोन का इंटरेस्ट लेता है और उसके बाद हमें उसी से अपने अर्निंग से ही हमें इंटरेस्ट देता है। वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस करके इनका जो भी प्रॉफिट हुआ उससे इन्होंने अपने डील में लिख रखा था कि हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो इन्होंने इंटरेस्ट लिया, बट इंटरेस्ट लेते वक्त गलत ले लिया। ठीक है, अब इन्होंने वो पैसा रिटर्न फर्म में लेके आ गए। ठीक है, अब करना क्या है, अब इस पैसे को ये लोग क्या करेंगे, अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का काम क्या है, पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा अपने अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनको जब पता चला कि 2,10,000 जो है हम लोगों ने गलती से अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये लेके आ गए। अब ये 2,10,000 का करना क्या है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। जैसे बैंक अपने बिजनेस के प्रॉफिट से हमें इंटरेस्ट देती है, वैसे पार्टनरशिप फर्म जब इंटरेस्ट देता है या पार्टनर को सैलरी देता है या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन देता है, जो भी देता है तो वो अपने अर्निंग से ही देता है, यानी प्रॉफिट से ही देता है। तो ये जो प्रॉफिट का अमाउंट, ये जो 2,10,000 हो गया, अब ये अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या तुम लोग मुझे बोल सकते हो, ये अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं समझ में आया मेरा? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। क्यों बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसीलिए करेंगे, ये पैसा एक्स्ट्रा हम लोगों ने जो है हमें मिला कि हाँ मैंने तो ये पैसा एक्स्ट्रा ले लिया था गलती से, बी ने बोला मैंने ये गलती से ले लिया, सी ने बोला मैंने ये गलती से ले लिया, तो ये अमाउंट अब क्या करें, अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो फिर तुम लोग सोचोगे फिर ये वापस करके क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्योंकि ये एक्चुअली इन्होंने गलत किया है, गलत अमाउंट ऑफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से ये जो एक्सेस अमाउंट है इसमें हमारा प्रॉफिट का जो है रेशियो, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो ये एक्चुअली पीएल एप्रो में हो रहा है कंडीशन, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब भी बता देते हैं इसके साथ साथ, पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो पीएल के बाद बनता है। ट्रेडिंग तुम लोग को पता है जीपी आता है, पीएल तुम लोग को पता है नेट प्रॉफिट आता है। अब नेट प्रॉफिट को यहां लिखना है, लिख के क्या होगा, यहाँ पर देखो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही पर्सन को उसका प्रॉफिट मिलता है, तो वो सीधा जाके नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट जो है ये सिर्फ एक जन के कैपिटल में ऐड नहीं होगा, ए के कैपिटल में ऐड होगा, बी के कैपिटल में ऐड होगा, सी के कैपिटल में ऐड होगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी है, मतलब पार्टनर लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसे हम लोग बताते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, देखो यहां पर लिख लेते हैं,
देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन्होंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर वाले को पे नहीं कर रहे, अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने अपना लॉजिक लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने सोच रखा है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को गया, बी को गया, सी को गया, ठीक है। तो अब गलती से ज्यादा चला गया, गलती से ज्यादा चला गया, तो बोला रिटर्न लेके आ जाओ, रिटर्न लेके आ गए, तो जो पैसा बचा उसको क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, मान लो यहाँ पर प्रॉफिट बचा 100, इसको मिला 20, इसको मिला 10 और इसको मिला 50, तो कितना बचा यहाँ पर, ये हो गया 80 और 20 रुपीज बचा, ये 20 रुपीज क्या करना है, ये 20 रुपीज ये सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट बोल के यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, जितने भी अलग अलग मतलब स्पेसिफिक पॉइंट है पार्टनर को देने का, वो देने के बाद जो बचता है वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसको मान लो 20 के जगह हमें 15 देना था, इसे 5 रुपीज ज्यादा दे दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रॉफिट का हिस्सा जो है चेंज हो जाएगा ना, वही हम बोल रहे हैं। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये देखो जो पैसा वो वापस लेके आ गए अपने घर से, वो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएसआर में, तो देखो पीएसआर कितना है हम लोग का, पीएसआर है हम लोग का 2:3:5, देखते हैं कितना आएगा, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 21,000 into 2, 42,000, यहाँ पर हो जाएगा 21,000 into 3 यानी 63,000 और 21,000 into 5 यानी 1,05,000, ठीक है। तो ये 2,10,000 जो एक्सेसिवली इनमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो वापस आ गया, बिकॉज ये इनका जो है पार्ट ऑफ शेयर है नहीं, ये गलती से इतना गया, तो ये 2,10,000 को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो बच जाता है वो एज ए पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट के तौर पर। तो अब देखो क्यों ये करना जरूरी है, ए के पास एक्सेसिवली 30,000 चला गया था, जबकि अगर ये अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जाता है तो ए को 42,000 मिलता है, यानी ए को कितना, कितने का डिफरेंस आया, ए के केस में 12,000 का, बी के केस में कितने का डिफरेंस आया, 3,000 का, सी के केस में कितने का डिफरेंस आया, ये दोनों का डिफरेंस हो गया 15,000। अब इसका लॉजिक समझो, अब ये तो मैंने समझाने के लिए बोला कि पैसा लेके आ जाओ, एक्चुअली ऐसा होता है कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये गलत होने की वजह से इसको जब हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आता है। ए को मिल रखा है 30,000 एज एन इंटरेस्ट, लेकिन वो अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता तो प्रॉफिट के तौर पे 42,000 मिलता, यानी ए को और भी कितना मिलना चाहिए, ए को और भी 12,000 मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, 12,000 मिलने से क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल में जाके ऐड होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। अब देखो बी को मिला था 60,000, जबकि ये अगर सही डिस्ट्रीब्यूट होता, बी के पास गलती से 60,000 था बट करेक्टली बी के पास 63,000 होना चाहिए, तो फिर उसको 3,000 और दिया जाएगा, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, इसको 12,000 दिया जाएगा, इसको और 3,000 देना पड़ेगा, और सी के पास था 1,20,000 गलत डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से, जबकि सी के पास होना चाहिए 1,05,000, तो सी से 15,000 रिटर्न ले लिया जाएगा, ठीक है, और ये सारा ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो यहां पर हो गया 15,000, 12,000 और 3,000, मतलब बी सी से रिटर्न ले लो, उसके कैपिटल को कम कर दो, उसके कैपिटल में जो 15,000 एक्सेसिवली ऐड है, और ए और बी को 12 और 3,000 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, अगर रेक्टिफिकेशन करने बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी वो रिटर्न लाओ, उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग को दिखा कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, और उसके अकॉर्डिंग एंट्री होगा, सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होना चाहिए। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पावर ऑफ पार्टनर दिया हुआ है, ये चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको हम और कुछ नहीं करवा रहे, ये हमारे भी
अकाउंटिंग पर्पस में काम करनी है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया, जो मैंने अभी तुम लोग को बताया भी कि पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग पार्टनर लोगों को कुछ भी अगर पे करते हैं, पार्टनर लोग अपना जो भी रूल्स रेगुलेशन अपने ऊपर अप्लाई करता है कि हाँ हम लोग अपने बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या लोन का इंटरेस्ट इतना रखेंगे, वो सबका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी वगैरह टू पार्टनर, ठीक है। अगर लेकिन सैलरी वगैरह तभी होगा अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया है, ए बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1st Jan 2019 विद कैपिटल ऑफ 30 and 20,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500। अब बोल दिया है डीड में तो सैलरी मिलेगा पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एन, द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ड्यूरिंग 2019 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000 and B 10,000 for domestic purpose, मतलब personal use के लिए, give the journal entries to division of profit, profit कैसे divide होगा इसके लिए journal entry हमें pass करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर journal entry pass करके दिखाते थे, illustration बन। सबसे पहले क्या बोला है, इन्होंने business start किया है 1st Jan को 30,000-20,000 capital से, तो ये तो business start हुआ है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर एंट्री बोला है प्रॉफिट डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये कैश टू कैपिटल हमें करने का जरूरत नहीं होगा, प्रॉफिट का एंट्री करने के लिए बोला है। देखो ये एंट्री होता है कैश टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, लेकिन हमें बोला है प्रॉफिट का डिवीजन का एंट्री दिखाओ, तो ये एंट्री नहीं दिखाते, ठीक है। अगर चाहो तो दिखा सकते हो, अपने नॉलेज के लिए अगर चाहो तो ये वाला लिख के रख लो कि इसका एंट्री क्या होगा, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखवा देते हैं इसे। ये देखो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वैसे नेसेसरी नहीं था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, 50,000 1st Jan 2019 being capital introduced, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, जस्ट मैंने लिखवा दिया being capital introduced। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, जो हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बी को सैलरी मिलना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 6% पर एन, ठीक है। तो बी को सैलरी मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, तो देखो हमें क्या करना है प्रॉफिट का डिविजन दिखाना है, मतलब इसके लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करेंगे। तो कैसे होगा ये 31st December 2019 को होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का रेडी होता है ईयर एंड में। अब इनका ईयर अगर 1st Jan को स्टार्ट हुआ है तो ईयर एंड 31st December को होगा। एंट्री क्या लिखा जाएगा, एंट्री लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल कितना बोला है 5,500 पर मंथ, यानी 500 × 12 यानी 6,000। अच्छा ऐसा एंट्री क्यों हुआ, क्यों हम लोगों ने ऐसा नहीं लिखा कि सैलरी टू कैश, ठीक है ये प्रीवियस एंट्री है सैलरी टू कैश, ठीक है ये प्रीवियस एंट्री है, लेकिन हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग नॉर्मली सैलरी देते हैं तो सैलरी टू कैश फिर क्या करते हैं पीएल टू सैलरी, तो हमें ये पोर्शन का एंट्री करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग वही किए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सैलरी का अमाउंट जो है ये बी के कैपिटल में चला जाएगा, तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे पीएल टू सैलरी का मतलब यहाँ पर हो जाता है, अगर हम लोग पीएल टू सैलरी बोलेंगे ना तो ये कोई आउटसाइडर को सैलरी पे करे, किसी का अकाउंटेंट रखे हैं, तो अगर हम लोग बोलते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन टू बीज कैपिटल यानी बी के कैपिटल में जा रहा है और यहाँ हाइफ़न देके अगर सैलरी लिखते हैं तो सैलरी का पैसा बी के कैपिटल में जा रहा है, जब पार्टनर को कुछ पे करते हैं तो उसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये क्या है पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि यही है पार्टनर का एक्सपेंसेस या प्रॉफिट जो भी पार्टनर को हो रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इसके कैपिटल में जाके एड हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में हर एक चीज जो है कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, ऐसे हाइफ़न देके लिख सकते हो सैलरी की, हाँ ये सैलरी का पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पर
नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फिर से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा. क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस होने से ही डेबिट होगा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू यहां पर एज कैपिटल हाइफन देके लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है. ए के कैपिटल में वो एड हो जाएगा. टू बीज कैपिटल, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बी का इंटरेस्ट और ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना होगा? कैपिटल था 30,000, 20,000. यहाँ पर चेक करते, इधर हम लिखते हैं, इधर जगह है, ठीक है. तुम लोग चाहो तो इधर लिखो, अगर तुम लोग का इधर जगह है तो 20,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना स्पेसिफाई किया गया है? 6%. तो ये 6% पर एनम, तो हम लोग 1 ईयर का निकाल रहे हैं. इंटू 12/12 लिख सकते हो या फिर इंटू 1 ईयर लिख सकते हो, एक ही बात है. मैंने दोनों तरीके से लिख दिया, जैसा तुम लोग लिखना चाहो. तो ये 1800 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, टोटल हो गया 3000, ठीक है. तो जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से 6000 का सैलरी देना पड़ेगा किसको? बी को. उसमें से 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ए को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा बी को 1200. अच्छा, इसके बाद द रिमेनिंग प्रॉफिट हैड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा वो इनमें 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, ऐसे बोला गया है. ठीक है, तो चलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा? सेम तरीके से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अच्छा, प्रॉफिट कितना दिया जाएगा? उसके लिए तो प्रॉफिट पता होना चाहिए. देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग द 2019 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी. बी का सैलरी देने के पहले एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट देने के पहले प्रॉफिट था कितना? 25,000. बोल रहा है कि जब ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था, ना तो किसी तरह का जो है सैलरी दिया गया था, तब प्रॉफिट था 25,000. लेकिन अब तो उतना नहीं है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो सबसे पहले इनको दिखा होगा कि हमारे पास 25,000 प्रॉफिट है, उससे उसमें से सबसे पहले बी को देना पड़ेगा सैलरी, क्योंकि ये बोला गया था, तो बी को सैलरी देना पड़ेगा. उसके बाद इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 3000, फिर जो बचेगा वो ही अपने अंदर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो 25,000 से 9,000 माइनस करने से कितना आ जाएगा? 16,000. 16,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/8 और 3/8 में. क्यों? क्योंकि ये देखो 5:3 में बोल रखा है, ये देखो यहाँ पर 5:3. तो ये हम लोग देखते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 2000 यानी 10,000, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 6,000, ठीक है. तो टोटल 16,000, टोटल 16,000 हो गया, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है. तो ये देखो, जब हम लोग को बोलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, इफ जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो पहले जो भी प्रॉफिट था उसमें से सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सारे स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो बचेगा वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. अच्छा हाँ, इसमें तुम लोग नैरेशन जरूर लिख लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में नैरेशन लिखना जरूरी होता है. तो अगर कभी जर्नल एंट्री बोलेगा तो तुम लोग को नैरेशन लिखना पड़ेगा. अच्छा, आप देखो इलास्ट्रेशन टू, इसमें क्या बोला है, यहाँ पर करते हैं. इलास्ट्रेशन टू में बोला है, राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, तीनों एक फर्म के पार्टनर है. दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो कैसे करेंगे? इक्वली, अगर नहीं है कोई एग्रीमेंट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. 1:1:1, तीन जन है तो 1:1:1. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स एंड रेमुनरेशन पेबल टू पार्टनर्स. अच्छा, यहाँ पर बोल रहे दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसका तो सोल्यूशन इक्वली कर लेंगे. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस के बारे में कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है
तो सिर्फ 6% लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो नहीं मिलेगा। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आया तो इन्होंने कुछ क्लेम रख दिया। क्या बोला? राम बोल रहे हैं हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। राम बोल रहे हैं जिसका कैपिटल सबसे ज्यादा है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में होना चाहिए। बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। तो बोलो क्या राम ने जो बोला वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? राम का तीन क्लेम है, एक तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में शेयर कर दो, दो दो क्लेम है। क्या ये सही है? बोलो क्या ये सही है? क्या राम को, राम ने जो क्लेम रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दो और कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या ये होगा? ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? एग्रीमेंट नहीं है, क्या ये एप्लीकेबल होगा? अरे बोलो, बोलो क्या ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा मैम, नहीं होगा, क्योंकि जब एग्रीमेंट ही नहीं बना हुआ है तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। फिर रहीम हैज डेवलप फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस डिवोट, सॉरी रहीम ने क्या किया है, इन्होंने पूरा टाइम लगाया है बिजनेस में एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। तो बोलो रहीम ने जो डिमांड किया है क्या वो सही है कि हम, मैंने ज्यादा टाइम किया है काम बिजनेस में तो मुझे 500 पर मंथ सैलरी देना चाहिए, लेकिन बोल रखा है कि नो एग्रीमेंट फॉर दिस वन दिस वन, ऐसे बोल रखा है, ठीक है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि रहीम को सैलरी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बोलो, इसके बाद लेजर भी बनाना पड़ेगा। बोलो रहीम को सैलरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे हाँ ना बोल रहे हैं, हाँ बोलो, नहीं मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट बोलो, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2000। करीम बोल रहा है कि लोन का इंटरेस्ट 2000 दे, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2000 एडवांस्ड बाय हिम। करीम बोल रहा है कि मैंने 2000 का लोन दिया है बिजनेस में एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। बोल रहा है मार्केट में लोन देने पे 12% इंटरेस्ट लग जाता है तो मुझे भी 12% इंटरेस्ट दे दो, ठीक है। क्या ये करीम का डिमांड करेक्ट है? मतलब क्या ये फुलफिल होगा उनका डिमांड या नहीं होगा? क्या करीम को 12% इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा वो भी बताओ, उसके बाद लेजर बनाएंगे इसका। बोलो कितना टाइम देते हो तुम लोग? नहीं मिलेगा। हाँ कितना मिलेगा वो तो बोलो। 6% सही है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 45,000 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। ये पॉइंट समझाते हैं, देखो क्या बोला है। सबसे पहले तो यहाँ से पढ़ो, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। ये सब क्लेम में ये सब तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ एक हुआ ना कि करीम को 6% लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2000 पे। बोल रहा है ये सारे क्लेम पे करने के पहले जो प्रॉफिट था वो था 45,000, ठीक है। मतलब ये नेट प्रॉफिट था जिसे हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करते हैं पीएल में, वैसे ही नेट प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करेंगे। तो हम लोग प्रिपेयर क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देख पीएल अप्रोप्रिएशन हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग एग्जाम में जब लिखोगे पूरा लिख लो, फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले प्रॉफिट यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे बाय पीएल अकाउंट बोल के, क्योंकि अकाउंट का नाम पीएल होता है। नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, कितना है 45,000। अच्छा अब इससे क्या मिलेगा, इससे बोल रहा है कि करीम को लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उनके कैपिटल में ऐड होगा, तो ऐसे लिखेंगे टू करीम्स कैपिटल अकाउंट
इनको जो भी मिलता है ना इनके कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड हो जाता है पार्टनरशिप में। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? लोन है 2000 रुपीज का, 6% मिलेगा, 1 ईयर का मिलेगा, क्योंकि कब लोन दिया है, कैसे दिया है कुछ नहीं बोला, यानी 1 ईयर का मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1220 का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 45,000 प्रॉफिट से इतना इंटरेस्ट दे देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि how shall you settle the dispute and prepare the profit and loss account? Dispute settle कैसे होगा? वो तो राम को बताना पड़ेगा। राम को बोल दिया जाएगा कि देखो ऐसा नहीं बोला जा सकता है, because क्योंकि जो हम लोग का एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो ऐसे ही 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो रहीम और करीम के बात में एग्री होना पड़ेगा, और रहीम को भी राम और करीम के बात में एग्री होना पड़ेगा कि ऐसे ही ज्यादा काम किया है उनके सैलरी दे दो, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। तो ये कुछ कमेंट लिखना पड़ेगा, वो तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो बोल रहा है कैसे प्रिपेयर करना है, बोल रहा है कि ट्रांसफर करना है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू द रिजर्व। हमें रिजर्व में 10% प्रॉफिट का ट्रांसफर करने बोला है। अब ऐसा क्यों बोला है? जैसे जो भी अर्निंग करते हो, सभी घर में देखोगे कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ सेविंग्स करते हैं, तो रिजर्व क्रिएट करके रख रहे हैं। जैसे तुम लोग के पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर में कुछ मान लो किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदना है, तो कुछ ना कुछ सेविंग्स मतलब रिजर्व तो करते हैं ना। वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए रिजर्व में कुछ पैसा रहना चाहिए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग प्रॉफिट का 10% अपना रिजर्व बना ले, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व बनाएंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रिजर्व, ठीक है। रिजर्व क्रेडिट होता है, देखो प्रॉफिट कम हो जाएगा, पीएल डेबिट टू रिजर्व, रिजर्व क्रिएट होगा। कितना रिजर्व क्रिएट होना चाहिए? देखो रिजर्व कितना क्रिएट होना चाहिए, रिजर्व यहाँ पर क्रिएट होगा हम लोग का, बोल दिया है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब रहा बात ये कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, क्या 45,000 डिविजिबल प्रॉफिट है? नहीं, डिविजिबल मतलब जो पार्टनर लोगों में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग 45,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। उसमें से 120 पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाले क्वेश्चन में 25,000 डिविजिबल प्रॉफिट नहीं था, जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे देखो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है क्या वही नेट प्रॉफिट हो जाता है? कभी नहीं हो सकता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उससे हम लोग पहले बिजनेस का सारा एक्सपेंसेस पे करते हैं, फिर जो प्रॉफिट आता है वो इंडिविजुअल अपने कैपिटल में ऐड कर सकता है। सिमिलर तरीके से ये प्रॉफिट तो सबका मिला के आया, अब इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसके पहले अगर इन तीनों को कुछ मिलना चाहिए, तीन दो जो भी पार्टनर है, तो उनको वो पहले पर्सनली जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो होने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम लोग एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर 10% अब कितना हो जाएगा? 45,000 माइनस 120, ये देखो 45,000 से पहले हम लोग 120 दे देंगे, ये सेपरेट एक्सपेंस है, इसका हम लोग 10% रिजर्व बना सकते हैं, ये है डिविजिबल प्रॉफिट, तो इसका 10% हम लोग रिजर्व बना सकते हैं, यानी 4488 ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉफिट शेयर करेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर है? राम, रहीम और करीम, इनको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, राम, रहीम और करीम। कितना प्रॉफिट मिलेगा? सबको इक्वली मिलेगा, कुछ तो डीड बना हुआ नहीं है, तो 1/3 करके मिलेगा। इक्वली होने से कितना हो जाएगा? पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट 45,000 प्रॉफिट था, उसमें से 120 इंटरेस्ट का चला गया, और बाकी 4488 जो है ये एज अ रिजर्व यूज किया गया, तो मतलब एज ए रिजर्व रख लिया गया, तो 40,392 टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों, तो कितना हो जाएगा? 1/3 करके डिवाइडेड बाय 3 कर लो, 13,464, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हमेशा जो भी पार्टनर लोगों को इंडिविजुअली पे करना है, वो पे करने के बाद ही जो है प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। पहले दे दो, जो भी स्पेसिफिकली बोल रखा है वो दे दो, जो बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं है तो इक्वली मान के चले। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर डिस्प्यूट कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए कमेंट दिया है जो कि तुम लोगों ने मुझे आंसर दिया, तो तुम बस लिख लेना है थोड़ा लैंग्वेज के साथ और कुछ। अब इलस्ट्रेशन थ्री क्या बोला है, ए बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 January 2019, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, विद कैपिटल 30,000-20,000, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल सैलरी 500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम, द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो 5:3 ड्यूरिंग 2019, द फर्म अर्न ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 25,000। देखो ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोग का इलस्ट्रेशन वन का था, देखो ये देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक एडिशनल लाइन के अलावा, यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था, ये देखो। हाँ यहाँ पर डोमेस्टिक पर्पस के लिए ड्रॉ हुआ है वो भी बोला था, ड्यूरिंग द ईयर ए ड्रू 8,000 बी ड्रू 10,000, इसका मैंने क्यों एंट्री नहीं दिखाया, अभी यहाँ देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि वो तो ड्रॉ होने से कैपिटल इंपैक्ट होगा इसी वजह से। चलो यहाँ पर हमें बोला है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, मतलब बेसिकली इसी क्वेश्चन का पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, तो हम यही पर बना देते हैं, ठीक है ये देखो हम यही पर बना देते हैं, इलस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पर कितना नंबर है 3, ठीक है इलस्ट्रेशन 3। यहाँ पर हमें सेम क्वेश्चन का पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है नेट प्रॉफिट कितना था 25,000, अच्छा उसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर हो जाएगा टू बीस कैपिटल सैलरी, बीस कैपिटल सैलरी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, इसको देख के ही लिख देते हैं, ये देखो 6,000 यहाँ पर, फिर यहाँ पर टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 और 1800, ए का 1800 बी का 1200, 1800 और 1200, ठीक है अच्छा उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25,000, सेम क्वेश्चन का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, लेजर पहले बोला जर्नल करने के लिए, तो हम लोगों ने जर्नल कर दिया, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है प्रॉफिट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ दिख रहा है देखो 10,000 और 6,000, सेम जर्नल का लेजर करने बोला, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 25,000, सेम क्वेश्चन था, इतना नेट प्रॉफिट था। अब इसको देखो तुम लोग नेट प्रॉफिट भी डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है जैसे हम लोग बाय जीपी ब्रॉड डाउन लिख देते हैं ना, वैसे तो लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग जीपी ब्रॉड डाउन, तो ये जो है एकदम क्लियरली लिखा जा सकता है, वैसे हम लोग नॉर्मली बाय एनपी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है जैसे देखो जब तुम लोग ट्रेडिंग का जीपी ब्रॉड डाउन करते हो तो बाई जीपी लिखते हो, लेकिन अगर हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या लिखना चाहिए बाई ट्रेडिंग हाइफ़न देके जीपी लिखना चाहिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट लिखो तो भी ठीक है एज यूजुअल, जैसे हम लोग जीपी लिख देते हैं डायरेक्टली एनपी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन था बस इसी का लेजर बनाने के लिए बोला था, तो इसका लेजर बन गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये थर्ड नंबर हो गया, फिर हम लोग फोर्थ नंबर पे चलते हैं, यहाँ पर सेम क्वेश्चन दिया है, देखो सेम क्वेश्चन है हम और रीड नहीं कर रहे, ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हमें बोला है कैपिटल अकाउंट बनाओ, ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है सेम क्वेश्चन से हम लोग ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये हो गया हम लोग का इलस्ट्रेशन 4, तो यहाँ पर बनाते हैं इलस्ट्रेशन 4, तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है तो कैपिटल अकाउंट को दो पार्टनर का हम लोग कंबाइनली बना देंगे, ठीक है ए और बी का इंडिविजुअली नहीं बना के ए बी ऐसे लिख देंगे कंबाइनली बन जाएगा। अच्छा सबसे पहले अगर कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसे ब्रॉड डाउन करते हैं, तो इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 30,000-20,000, क्योंकि कैपिटल एक क्रेडिट आइटम होता है, कैपिटल एक क्रेडिट आइटम होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी 30,000 और 20,000, और अगर इसका डेट लिखना चाहे तो डेट भी लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं बाई बैलेंस बीडी क्योंकि डेट है तो डेट लिख देते, लेजर में तो डेट का भी कॉलम होता है ना 1/1/2019 ऐसे लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, ठीक है ये इनका कैपिटल था। उसके बाद क्या हुआ देखो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सैलरी मिलना चाहिए बी को, तो बी का सैलरी
कहां पर जाके ऐड होता है, उसकी कैपिटल में ऐड होता है। तो क्या लिखना पड़ेगा, 31 December 19 को हम लोग लिखेंगे बाय, ये देखो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। ये देखो रीड करो, सेम क्वेश्चन है ना, जो इलास्ट्रेशन वन है वही हम लोग का इलास्ट्रेशन थ्री भी है, ठीक है, और वही हम लोग का, अच्छा ये ना मैंने बाई बैलेंस बीडी लिख दिया, गलत लिखा, ये बाई बैंक या कैश होना चाहिए था ना, तुम लोगों ने बोला भी नहीं। देखो मैंने ये एंट्री तुम लोग को लिख के भी दिखाया था, बाई बैंक या कैश लिख सकते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पर बैंक लिख दिया। ये देखो इन्होंने बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है, तो कैश टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, ये देखो स्टार्ट बोला है, पहले से बिजनेस चल रहा था ऐसा नहीं बोला, तब हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिख सकते थे। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन टू बीज कैपिटल, तो क्या लिखना पड़ेगा, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 6000 बोल के यहाँ पर लिखेंगे, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन 6000 बी के कॉलम में चला जाएगा। किस लिए इसको मिला, सैलरी के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से 31 December 2019 को बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई पीएल एप्रो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा 1800 और बी को मिलेगा 1200। देखो मुझे याद हो गया क्योंकि तीन बार हम लोगों ने सेम ही क्वेश्चन किया, और प्रॉफिट मिला 31 December 19 को बाई यहां पर पीएल एप्रो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो लिखना चाहूं, प्रॉफिट शेयरिंग है 10,000 6,000 शायद, एक बार देख लेते हैं, वो तो मुझे याद नहीं है, हाँ 10,000 6,000 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 10,000 6,000, ठीक है। अच्छा, और ये ड्रॉइंग सब काम आएगा, देखो ड्यूरिंग द ईयर withdrew, तो drawings करने से entry क्या होता है, bank, देखो normally drawings का तुम लोग entry क्या लिखते हो, अगर individual मतलब sole proprietorship में drawings होता है तो तुम लोग क्या लिखते हो, cash drawings होता है, drawings to cash लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, drawings debit नहीं होगा, यहाँ पर हर एक reason से capital debit या credit होता है, जब salary मिला तो टू सैलरी नहीं हुआ, बेसिकली कैपिटल में वो चला गया, मतलब टू बीस कैपिटल हो गया। वैसे ही जब ड्रॉइंग्स होगा तो टू बैंक तो होगा, ठीक है, जब ड्रॉइंग्स हो रहा है तो टू बैंक तो होगा। नॉर्मली ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है, देखो यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टू कैश या बैंक तो लिखेंगे, ये देखो टू बैंक, लेकिन ये कोई ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल है, तो जो पार्टनर ड्रॉ कर रहा है उसकी कैपिटल को कम कर दो, डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक जब ड्रॉइंग्स हो रहा है। दोनों ने किया है 8,000 और 10,000, यहाँ पर लिखेंगे 8,000, यहाँ पर लिखेंगे 10,000, ठीक है। अब इसको लॉजिकली समझने का कोशिश करो, ये तो एक टेक्निक है डेबिट क्रेडिट का पोस्टिंग, लेकिन ये अकाउंट हमें बोल क्या रहा है, बोल रहा है ए ने बिजनेस जब शुरू किया 30,000 दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न किया 1800 और 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया, मतलब टोटल बिजनेस करके इनका अर्निंग 30,000 जो है वो ट्रांसफर हो चुका है 41,800 में, बट इन्होंने विथड्रॉल कर लिया था 8,000, तो इनका क्लोजिंग कैपिटल जो है ये कितना दिखेगा, टू बैलेंस सीडी बोल के ये माइनस करने से आ जाएगा 33,800, ठीक है, 33,800 माइनस करने से आ जाएगा बैलेंस करके, ठीक है। तो ये कैपिटल का कंडीशन है। बी का देखो 20,000 था, इन्होंने 6,000 सैलरी अर्न किया तो कैपिटल 26,000 हुआ, फिर 27,200 हुआ फॉर इंटरेस्ट, 27,200 और 6,000 मतलब ये हो जाएगा 33,200 हो गया पूरे वन ईयर में बिजनेस करने के बाद, लेकिन 10,000 विथड्रॉ हुआ तो 23,200 जो है क्लोजिंग कैपिटल इनका दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पूरा कैपिटल अकाउंट को बना लिया, एक ही जगह पे बनाना चाहिए, दो अलग अलग बनाने से टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हमें हमेशा एक ही जगह पे प्रिपेयर करना चाहिए, तो एक ही जगह पे बना दिया मैंने, ठीक है। ये देखो इतने से बिजनेस स्टार्ट किया था, अब देखो क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, एंट्री से तो पोस्ट हो ही रहा है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाए तो देखो कैपिटल में सब ऐड होना है, तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू कैपिटल, अब पार्टनर है तो टू पार्टनर्स कैपिटल जिसका भी नाम होगा उसके अकॉर्डिंग ऐड होते जाएगा, और कुछ अगर माइनस होगा तो इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जब कैपिटल बिजनेस में कुछ आ रहा है, कैपिटल में ऐड हो रहा है, यहाँ कैपिटल से जब लेस हो रहा है, पार्टनर के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ तुम लोग को बोला था ना कि एक फिक्स्ड मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, अब ये कौन सा मेथड है, ये जो मेथड में हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, कैपिटल अकाउंट बनाया, ये है हम लोग का फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्यों वो भी बताते हैं। देखो ये हम लोग का क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है,
क्यों फ्लक्चुएटिंग मेथड है? क्योंकि यहां पर जो कैपिटल है वो सिर्फ कैपिटल नहीं है. ये जो कैपिटल आया, क्या ये सिर्फ कैपिटल का इंपैक्ट है? नहीं, कैपिटल तो ये था, अब उसमें किस चीज का इंपैक्ट आ गया? सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, ड्रॉइंग्स का, ये सारे इंपैक्ट के बाद ये कैपिटल आया. मतलब कैपिटल प्योरली कैपिटल नहीं है. अगर कैपिटल प्योरली कैपिटल नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड. फ्लक्चुएट कर गया, ठीक है, चेंज हो गया. लेकिन यही चीज हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं. अगर इसी को मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए मेरा ऐसा होगा, तो उसमें दो अकाउंट बनेगा. हम यहाँ बोला नहीं है, हम दिखा देते हैं. ये देखो, एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है. अगर हम लोग कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो हमें दो अकाउंट बनाना जरूरी है, ठीक है. अच्छा, तो इसमें क्या लिखेंगे? प्योरली कैपिटल लिखेंगे और कुछ नहीं. मतलब ये वाला, ये कैपिटल था, बाकी कुछ भी कैपिटल नहीं था. तो बाई बैंक ऐसे लिख देंगे, बाई बैंक. ए के कॉलम में ए और बी, ए के कॉलम में 30,000, बी के कॉलम में 20,000. यहाँ रहेगा 30,000, यहाँ जाएगा 20,000. और देखो कैपिटल इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो हम लोग का ये ऐसे ही रहेगा. और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग का आ जाएगा ए और बी का 30,000 और 20,000, ठीक है. ये ऐसे करके क्लोज हो जाएगा. और जो भी बाकी आइटम है वो यहाँ पर करेंट अकाउंट में आएगा, जैसे बाय पीएल एप्रो सैलरी, बाय पीएल एप्रो सैलरी सिर्फ बी का आ जाएगा 6,000, बाय पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 और 1,200, by PL Appro profit 10,000 और 6,000, और यहां पर टू बैंक drawings. ठीक है, तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा? 10 और 1,800, मतलब 11,800, और ये हो गया 12,000, 13,200, और यहाँ पर 11,800, 13,200. अब इसको बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस सीडी, यहाँ कुछ ना कुछ तो बैलेंस आ ही जाएगा. तो 11,800 से अगर हम लोग 8,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,800, और ये हो गया 3,200, ठीक है. तो ये क्या हो गया? हम लोगों ने अकाउंट को स्प्लिट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है. तो स्प्लिट करके क्या कर दिया? प्योरली जो कैपिटल है उसे एक अकाउंट में दिखाया, जिसका नाम रखा हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट. मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा. और इसके अलावा जो भी पूरे ईयर में बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है जिसके वजह से कैपिटल इंपैक्टफुल हो रहा है उसे एक अलग अकाउंट में दिखाएंगे, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है. तो क्या हम लोग का आंसर कुछ अलग हुआ? नहीं. ये देखो, यहाँ भी 33,800, यहाँ भी देखो, दोनों मिला के 33,800. प्योर कैपिटल 30,000, बिजनेस का इंपैक्ट 3,800, ओवरऑल कैपिटल 33,800. ये बिजनेस में लगाया था, ये बिजनेस से अर्न किया. 20,000 बिजनेस में लगाया था, बट यहाँ पर बिजनेस से अर्न किया 3,200. तो मिला के वही होगा. ओवरऑल आंसर में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा. बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है. यहाँ पर जो है हम लोग मिक्सअप करके दिखाएंगे और यहाँ पर हम लोग अलग से दिखाएंगे. ये हो गया फिक्स मेथड. तो एग्जाम में हमें क्या करना है? अगर क्वेश्चन बता देगा तो वही फॉलो करो, अगर कुछ नहीं बताएगा तो ऑलवेज ये फॉलो करना पड़ता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है. तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो ऑलवेज फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. दो अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं होगा. अच्छा, ये वाला हम लोग का हो गया इलस्ट्रेशन 4. ये यहाँ पर बताया था फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मैंने वो समझा दिया. ये देखो, इसका और जरूरत नहीं है. और क्या बोले इसमें? ये देखो, यहाँ पर ये एक एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ रहा है. देखो क्या बोल रहा है, शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 1,00,000, 1,60,000,
on Jan 1, 2019 respectively, SILPA introduced additional capital 30,000 on 1st July and another 20,000 on 1st October. Calculate interest on capital for the year ending 2019 rate of interest 9% per annum. Simple एक calculation दिया है, दो partner है, किसने कब पैसा introduction किया है वो दिया है और बोल रहा है कि हमें ये बताने के लिए कि interest on capital अगर 9% कर गया है तो इनका interest कितना होगा. ठीक है, तो देखो हम इस तरीके से करते, तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो. ये देखो ऐसे, यहाँ पर सबसे पहले सिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1,60,000. तो हम ये सिल्पा के लिए बना लेते हैं, यहां से यहां तक ऐसे रहने देते हैं. यहां पर 1/1/2019 में सिल्पा का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनका कैपिटल था 1 लाख और एक नाम क्या है, संजू. ठीक है, वो हम कहाँ दिखाए, वो हम इधर दिखा देते हैं. ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने संजू, इनका कैपिटल था 1/1/19 में, इनका कैपिटल था 1,60,000. ठीक है, फिर उसके बाद रेस्पेक्टिवली, फिर सिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1st जुलाई. सिल्पा ने 1st जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितना, 30,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मैंने एड से इसे दिखाया. ठीक है, फिर उसके बाद एंड अनदर 20,000 ऑन October 31, 2019. अच्छा, फिर और एक बार किया October 31, 2019 में, फिर से इंट्रोडक्शन किया है कैपिटल का 20,000. अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर एंडिंग 2019. तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2019 को, इसका हमें इंटरेस्ट निकालने बोला. इन्होंने तो कुछ इंट्रोडक्शन किया नहीं है, तो इनका सीधा इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर 2019 का. ठीक है, अच्छा, अब इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा कैसे होता है, जितना अमाउंट पे मिलेगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड. ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो हम लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये जो 1 लाख है, ठीक है, ये 1 लाख है, ये हम लोगों ने यहाँ पर 1 लाख का, देखो दो तरीके से हो सकता है. ठीक है, हम दोनों तरीके से दिखा देखते हैं. पहले हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये 1 लाख जो है पूरे साल यूज हुआ. ठीक है, ये 1 लाख पूरे साल यूज हुआ, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, 1 लाख इंटू 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, इंटू 12/12. ठीक है, क्योंकि इसको कुछ विदड्रॉ तो किया नहीं गया है. फिर जब 30,000 इंट्रोड्यूस हुआ, ये कितने दिन यूज हुआ, ये इतने दिन यूज हुआ, तो 30,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये 12 मंथ्स हो गया और ये कितना मंथ्स हो जाएगा, जुलाई से लेकर दिसंबर, तो पूरा 6 मंथ्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12. ठीक है, और ये जो बचा हुआ है, ये यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस हुआ वो इतने दिन यूज हुआ, तो अक्टूबर का एंड, नवंबर, दिसंबर, ये 2 मंथ्स के लिए हो जाएगा, तो 2 मंथ्स का देखते हैं कितना हो जाएगा, 20,000 अमाउंट ऑफ जो है कैपिटल इंटू 9% इंटू 2/12. अब देखो कितना आंसर आता है, तो ये तो हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा हम लोग का डिवाइडेड, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 15 इंटू 9 135 0. अच्छा, ये हो गया हम लोग का 6 और ये 9%, मतलब ये कितना हो जाएगा, 300. ठीक है, तो टोटल करने से हम लोग का हो जाएगा 300, ये 1,650, ये हो गया. इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, जैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये 1 लाख का हम लोग इतना दिन का यूज दिखा सकते हैं, क्योंकि ये 1 लाख इतने दिन तक था, उसके बाद ये 1,30,000 हो गया. देखो जो तुम लोग को कंफर्टेबल लगे, एक तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लाख का यूज पूरे साल हुआ, 30,000 मतलब जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके ईयर एंड तक, जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके ईयर एंड तक, जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से लेके ईयर एंड तक, ये सबसे आसान है. लेकिन कोई कोई ऐसे भी करने में हैबिचुएट हो सकते हो, तो वैसा भी कर सकते हो, लाइक 1 लाख, 1 लाख का यूज कब तक हुआ, 1 लाख इंटू 9% इंटू, जब तक जुलाई नहीं आया, मतलब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स तक 1 लाख के अकॉर्डिंग हो रहा था. ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 लाख में 30,000 एड होके 1,30,000 हो गया.
ये कितने दिन यूज हुआ, 1,30,000 यहां से लेके यहां तक, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 मंथ्स के लिए हो जाएगा। तब हमें ना ऐसा सोचना पड़ेगा, ये देखो, तब हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, हम ये रेड कलर से दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक यूज हुआ, ठीक है। फिर यहां से यहां तक यूज हुआ पार्ट पार्ट, फिर यहां से यहां तक इस तरीके से एड ऑन करते हुए, फिर यहां पर 1,30,000 के बाद 1,30,000 और ये 20,000 ऐड हो गया। अब 1,20,000 है, 1,20,000 इंटू 9% इंटू कितना हो जाएगा, यहां से यहां अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स हो जाएगा। क्या सेम आंसर होगा? सेम तो होना चाहिए, देख लेते हैं। ये देखो 1,00,000 इंटू, अच्छा ये 1,00,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 4,500। 1,30,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 3,900। अच्छा ये हो जाएगा हम लोग का 1,20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 6, 1,800 प्लस 3,900 प्लस 4,500, 10,200 हो गया, 650 तो होना चाहिए, ये सही किया था मैंने कैलकुलेशन, 9,000 प्लस 1,350 प्लस 300। हाँ बोलो मैम, वो 1,50,000 होगा कि 20,000? ओ अच्छा हाँ, 1,50,000 होना चाहिए, मैंने 20 लिख दिया। हाँ ये देखो 1,50,000 होगा, इसी वजह से गलत हो रहा है। 1,50,000 कैसे होगा वो भी हम बताते, देखो मैंने क्या बोला, 1,00,000 इतने दिन यूज हुआ, फिर 30,000 एडिशन हुआ तो अब 1,30,000 बन गया, फिर और 20,000 एडिशन हुआ तो 1,50,000 हो जाएगा। मैंने गलती से उसे 1,20,000 लिख दिया। 1,50,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 6, 2,250, 2,250 मतलब 10,200, और यहाँ पर मैंने 1,800 लिखा था, 1,800 लेस कर देते हैं, 2,250 ऐड कर देते हैं। हाँ सही है, 10,650 हो गया। अब तुम लोग जैसा कर सको वैसा करो, ठीक है। अब मैंने दो तरीके से इसीलिए दिखा दिया क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले पार्टनरशिप किया होगा, तो अगर ऐसा लगता है कि ये नहीं किया है तो फिर ये हैबिट है तो लगेगा कुछ अलग सीख रहे, अलग नहीं है, कैसे भी करो तुम लोग का कैलकुलेशन होगा, दोनों कंसेप्ट सेम है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1,00,000 इतने दिन यूज किया, फिर 30,000 इतने दिन यूज किया, ये क्या है, इंट्रोडक्शन पॉइंट से लेके ईयर एंड तक, ये कैसे सोल्यूशन है, इंट्रोडक्शन पॉइंट से लेके इंट्रोड्यूस जब हो रहा है, इंट्रोडक्शन से लेके ईयर एंड तक, ये कंसेप्ट है। और ये है पार्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट पार्ट जब इंट्रोडक्शन हो रहा है तब हम लोग उसको एड ऑन कर दे रहे हैं। और संजू का निकालते, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, इसमें एक ही तरीके से होगा, कैसे भी कर लो, यहां पर हो जाएगा 1,60,000 12 मंथ्स के लिए इंटू 9%, ठीक है, 12 मंथ्स यानी 12/12 मतलब पूरे 1 ईयर का हो जाएगा। तो 1,60,000 इंटू कितना हो जाएगा, 1,60,000 इंटू 9% 14,400 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 14,400। इसका एक ही मेथड होगा, इसमें तो हम लोग कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि एडिशन तो हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसी चीज को प्रोडक्ट मेथड से दिखाया है, ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड भी बता देते हैं। प्रोडक्ट मेथड का मतलब ये देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से चीजों को समझे कि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है, ये देखो प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा हम लोग का अमाउंट इनटू मंथ, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब हमेशा क्या होता है अकाउंट्स में, प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी अमाउंट को अगर हम लोग वो कितना दिन यूज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे देखो 1,00,000 कितने दिन यूज हो रहा है, 1,12,000 यूज हो रहा है, 30,000 कितने दिन यूज हो रहा है, 6 मंथ्स यूज हो रहा है, 20,000 कितने दिन यूज हो रहा है, 2 मंथ्स हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1,60,000 12 मंथ्स यूज हो रहा है तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेथड और ये कुछ अलग नहीं है, हम लोग बोलेंगे कि 1,00,000 कितने दिन यूज हो रहा है, 12 मंथ्स, 30,000 कितने दिन यूज हो रहा है, 6 मंथ्स, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। तो देखो कैसे किया है, हम यहीं से दिखा देते हैं। 1,00,000 12 मंथ्स यूज हुआ है, 30,000 6 मंथ्स, 20,000 2 मंथ्स, तो
प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है वो निकाला गया है। तो देखो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं 1 लाख कितने दिन यूज हुआ है, 1 लाख यूज हुआ है हम लोग का 12 मंथ्स, वो हम इसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, ये वाला नहीं दिखा रहे, हम ज्यादा यही फॉलो करते हैं तो हम यही वाला करेंगे 1 लाख × 12, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 लाख। ठीक है, अच्छा अब ये देखो 30,000 कितने दिन यूज हुआ है, 6 मंथ्स, तो 30,000 × 6 तो ये हो जाएगा 1,80,000। अच्छा 30,000 × 6 हो गया, और 20,000 × 2 तो ये कितना हो जाएगा 40,000। तो टोटल अब प्रोडक्ट कितना हो गया देखो, 12 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 40,000, 14,20,000। ठीक है, ये हम लोग का आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली अगर तुम लोग इस चीज को थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, इसको तो हम लोगों ने ऐड ही किया है, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन इस चीज को ऐड कर लेते 1,09% × 12/12, ठीक है, फिर प्लस देके साइड बाय साइड लिख के दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 30,000 × 9% × 6/12 एंड यहाँ पर 20,000 × 9% × 2/12, मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं लिख के साइड बाय साइड लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा पता है, कॉमन चला जाएगा 9% / 12, देखो 9% / 12 हर जगह कॉमन जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1,00,000 × 12 जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 12 लाख, प्लस 30,000 × 6 1,80,000, ठीक है, और 20,000 × 2 यानी कि 40,000। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो × 9% / 12 करना पड़ेगा, × 9% / 12 करना पड़ेगा। मैथमेटिकली अगर इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 14,20,000 इंटरेस्ट × 9% × 1/12 करना पड़ेगा। क्यों 1/12, क्योंकि 12, 6 और 2 को तो हम लोगों ने अलग से कैलकुलेट कर ही लिया, मैंने अभी अभी तुम लोग को दिखाया ना। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 9% / 12 ही कॉमन जाएगा, बाकी और ये मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9% से हमें परसेंटेज तो लगाना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए, और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, सेम 10,650 आएगा, चेक करके देख सकते हैं हम लोग। ये देख मैथमेटिकली तो कंसेप्ट सेम है ना, बस वो एक अरेंज कर दिया जा रहा है, तो इसी को प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है। बेसिकली अकाउंट्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करना कि कोई अमाउंट कितने दिन यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग उसका यूज दिखा ही दे रहे हैं और इससे हमें क्या मिल रहा है, पूरे 12 मंथ्स का जो है पूरे ईयर का यूज्ड अमाउंट हमें मिल गया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ये अगर पूरे ईयर का हमें डेटा मिल गया तो डिवाइडेड बाय 12 करने से हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है। ठीक है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारा 12,62 मल्टीप्लाइड है, तो सिर्फ 1/12 करने से ही होगा, जो कि मैंने तुम लोग को मैथमेटिकली दिखा भी दिया। ये देखो 10,650 हो जाएगा। सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये संजू वाले केस में भी, इसमें भी प्रोडक्ट कैसे होगा, 1,60,000 × 12 करने से जो आ रहा है वो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, जितना दिन यूज हुआ 12 मंथ्स यूज हुआ, तो 19,20,000 12 मंथ्स यूज हुआ, तो 19,20,000 पे अगर हम लोग 9% इंटरेस्ट लगाते जो कि 12 मंथ्स का है, तो 9%, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 1,72,800। मतलब ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, 12 से डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें आंसर कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो हम लोग दिखा रहे हैं 1,60,000 को 12 टाइम्स करें, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं जैन में भी 1,60,000 था, फेब में भी 1,60,000 था, मार्च में भी 1,60,000 था, तो उसे 12 टाइम्स कर दे रहे हैं, तो फिर 12 टाइम्स एक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। लॉजिकली देखो, नॉर्मली जो तुम लोग मेथड करते हो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने किया है, ये दो मल्टीप्लाई होगा तो बचा क्या, ये दो मल्टीप्लाई होगा तो बचा 9% / 12, तो वही 9% / 12 कर लेना है, करने से ही हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखो एक सेकंड क्या हो गया, 19,20,000 × 9% डिवाइडेड बाई 12, अच्छा मैंने इंटू कर दिया था शायद, 14,400, इसी को प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। एक ही बात है, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है, प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी डेटा को बाद में मल्टीप्लाई करना होता है, इसी को बोला जाता है हम लोग का
प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट मेथड बोलेगा तो ही प्रोडक्ट मेथड से करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। नॉर्मली ये वाला मेथड तुम लोग के लिए आसान होगा, ऐसे करके देख सकते ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग स्टार्ट करेंगे, आज फिर इतना ही करते।